नमस्कार, यह है तिनका जेल रेडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश, मैं हूं वर्तिका नंदा। जरा इस आवाज को सुनिए, ये आवाज आपने 23 जुलाई 2021 को सुनी थी, तिनका जेल रेडियो का एपिसोड नंबर 23। मैं आरजे सोनिया करनाल जेल से। रेडियो आने के बाद अकेलेपन का एहसास काफी हद तक कम हो गया। काल कोठरी की दीवारें भी थिरकने लगी। दुख के जिस दौर में कोई साथी नहीं था, वहाँ रेडियो ने मेरा साथ निभाया और मेरा दोस्त बन गया। मेरे लिए रेडियो उस समय एक नई उम्मीद बनकर आया जब मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। आज मैं जेल रेडियो का हिस्सा बनकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये आवाज थी सोनिया चौधरी की। जगह जिला जेल करनाल। सोनिया उन बंदियों में से एक है जो तिनका जेल रेडियो के लिए चयनित किए गए थे। वो समय कोरोना का था। बंदियों में उदासी, निराशा, बहुत डिप्रेशन और अकेलापन बढ़ रहा था। मुलाकातें बंद थी। हरियाणा की जेलों में तब तक रेडियो आया नहीं था। श्री के सिल्वराज से एक दिन बात हुई थी। वे उस समय डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजंस थे। उन्होंने अनुमति दी और फिर तैयारी शुरू हो गई हरियाणा की जेलों में रेडियो लाने की। इस तैयारी के दौरान महिला बंदियों को भी जेल के रेडियो से जोड़ने की कोशिश हुई। जेलों में अनाउंसमेंट्स भेजी गई, कई पोस्टर्स लगाए गए। बंदियों से कहा गया कि जो इच्छुक हैं वे अपना नाम जेल के सुपरिटेंडेंट तक पहुंचाएं। तमाम जेलों में महिलाओं में सबसे आगे रही सोनिया चौधरी। उसका चयन हुआ और वो जेल रेडियो की इंटेंसिव ट्रेनिंग का एक हिस्सा बनी और उसके बाद रेडियो चौकी के तौर पर उसने जैसे एक तरह की महारत ही हासिल कर ली। अपनी जिंदगी के करीब 23 साल सोनिया जेल में गुजार चुकी है। उनमें से एक बड़ा हिस्सा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का भी रहा। यह अक्सर माना जाता था कि सोनिया बहुत गुस्सैल है, लेकिन रेडियो क्या आया, सोनिया के अंदर एक पूरा बदलाव देखने को मिलने लगा। सोनिया हंसने लगी, खुश दिखने लगी। जेल के सुपरिटेंडेंट श्री अमित भादु और डिप्टी सुपरिटेंडेंट शैलाक्षी भारद्वाज ने आगे बढ़कर सोनिया को रंग और कागज दिए। वो लिखने लगी, वो रंगों से भरी हुई तस्वीरें बनाने लगी, जेल के रेडियो पर गाने लगी। उसके साथ जेल की और बंदनियां और कई और बंदी भी जुड़ गए। सोनिया का काम इतना शानदार रहा कि 2021 में तिनका बंदनी अवार्ड के लिए उसे चयनित किया गया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए सिरे से आगे बढ़ती है। 2021 में तिनका प्रिजन रिसर्च सेल की स्थापना की गई थी। इसी सेल के तहत हाल में एक सर्वे किया गया। जनवरी से फरवरी के बीच ये जानने की कोशिश हुई कि जेल के रेडियो का बंदियों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। नतीजे बहुत रोमांचक हैं। करीब 75% बंदियों ने कहा है कि रेडियो के आने से उनकी मेंटल वेलबींग पर बहुत सकारात्मक असर पड़ा है। ये बंदी रेडियो को रोज सुनना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं। जेल में संगीत को लेकर उनकी कई प्रेफरेंसेस हैं। 32% बंदी रोमांटिक संगीत सुनना चाहते हैं, जबकि 12% दुख भरे गानों को सुनना पसंद करते हैं। 36% बंदियों ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता भक्ति संगीत है और 18% ने देशभक्ति के गानों को सुनने की इच्छा जाहिर की। जेल की रेडियो के किए सर्वे से ये बात तो साफ तौर पर पता लगी कि बंदियों की जिंदगी में रेडियो एक बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। महिला बंदिनियों के इस रेडियो से जुड़ जाने से रेडियो की ताकत में और भी निखार आया है। जेल का रेडियो असल में भारत में एक नई चीज है। 2013 में तिहाड़ जेल में पहला जेल रेडियो आया था, जिसकी साक्षी मैं बनी थी। उसके बाद देश की कुछ ही जेलों में रेडियो आया, लेकिन बहुत धीमी गति से। तिनका जेल रेडियो हिंदुस्तान का सबसे सिस्टमेटिक जेल रेडियो माना जाता है।
ये दो तरह से काम करता है, एक तो इनहाउस रेडियो जिसे जेल के बंदी संचालित करते हैं, वे ही कार्यक्रम बनाते हैं और उसे सुनने वाले भी वही लोग हैं, और दूसरा हिस्सा है तिनका जेल रेडियो जिसे इस समय आप सुन रहे हैं। इसके लिए भी कई आवाजें जेलों से आती हैं, उन्हें हम एडिट करते हैं और उसके बाद यूट्यूब पर इन्हें ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इन दोनों का मकसद जेल की जिंदगी को जोड़ना, जेलों को आपस में बांधे रखना भी है। कई बंदियों के परिवार इन पॉडकास्ट को बहुत दिलचस्पी से सुनते हैं। आज के पॉडकास्ट के पोस्टर पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसे भी सोनिया चौधरी ने ही बनाया है। इस पॉडकास्ट को सुने तो इन बंदियों के लिए अपनी दुआएं जरूर भेज दीजिएगा। आवाज की दुनिया से वर्तिका नंदा, ऑडियो संपादन हर्षवर्धन, तिनका तिनका के लिए।